हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके आई थी। ये मैं आपको लगा के आई दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने DIY बनाए थे। DIY एज ए प्लांटर में यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसमें ये होल्स है, इसमें मैं एक टुकड़ी भर दूंगी। ये इसके सारे होल जो है ऐसे कवर कर दूंगी। ये भी कवर कर दिया मैंने, और ऐसे ही सारे एक एक करके मैं कवर कर दूँगी। देखिए ये भी अच्छे से कवर कर लिया है, और ऐसे ही ये दूसरा वाला भी कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सारे कवर हो गए हैं। अब ये मूंगफली के छिक्कल हैं फ्रेंड्स, ये मैं नीचे इसमें मिट्टी से पहले इसे यूज़ करती हूँ ताकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। फ्रेंड्स ये मेरी मिट्टी है, ये वर्मी कम्पोस्ट है, ये नीम खली है, ये एप्सम सॉल्ट है, बोन मिल्क है, कोकोपीट है, फंगिसाइड है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी मिट्टी है मेरी प्लांट्स के लिए। ये हम इसमें अब ये धीरे धीरे कवर कर देंगे, जिससे ये मूँगफली के छिक्कल हमारे कवर हो जाएं। फ्रेंड्स इसमें ये थोड़ी थोड़ी बस इतने कि इससे ये कवर हो जाए। अब इसमें हम प्लांट्स रखेंगे अपने। फ्रेंड्स मैं पहले प्लांट्स ऐसे ही रखती हूँ इसीलिए ताकि मैं अच्छे से चेक कर सकूँ कि मेरे पूरे प्लांट आएंगे सही से या नहीं आ पाएंगे। उसके बाद मैं पूरी तरीके से इसको फिल करती हूँ। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स मैं एक एक करके रख दूंगी, ये सारे ही आ गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स सब, अब हमें इसको अच्छे से कवर कर देंगे मिट्टी से। ये देखिए फ्रेंड्स ये सारे एक एक करके कवर हो गए हैं मेरे। ये देखिए इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये कुछ मिट्टी अंदर नीचे से बैठ जाए। ये धीरे धीरे हम पानी देंगे, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी देना है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये इतने अच्छे लग रहे हैं प्लांट्स मेरे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, इतना प्यारा लगा है फ्रेंड्स। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।